मुंबई महानगर, जहां रात को होती सहर, बड़ी बड़ी इमारतें, जिधर उठाओ नजर हर सुबह पेपर आता है आज की ताजा खबर, एक्सीडेंट, रेप, चोरी, एनकाउंटर, डाका और मर्डर, जहां इतनी दुर्घटनाएं इस शहर में होती हैं, वहीं पर इस शहर में त्योहार भी मनाए जाते हैं, रिश्ते भी निभाए जाते हैं और प्रेम कहानियां भी होती हैं, जिसमें प्रेम के लिए किसी को मौत से भी होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे एक और मौत के सफर से गुजरी प्रेम की रोमांचक कहानी है। अबे यार हटना। एक्सक्यूज मी, आप अपना ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? मैं ऑटोग्राफ? जी हाँ, आप हिंदी फिल्मों में काम करती हैं ना? नहीं नहीं, मैं हिंदी फिल्मों में काम नहीं करती। ओह समझा, सॉरी, आप टॉप की मॉडल है ना? जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कह दीजिए, आपको हिंदी फिल्मों में काम करने का शौक नहीं है? क्या कह रही हैं, झूठ कह रहा हूँ मैं? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब अगर मगर छोड़िए, आप मेरे साथ बैठिए तो प्लीज। क्या हम कहीं और नहीं बैठ सकते? कम ऑन माय स्वीटहार्ट। क्या मैं वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ जो फिल्मों में हीरोइन बन सकती हूँ? बन सकती हूँ? अरे आप तो हीरोइन हैं। हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया तो क्या हुआ? बाय द वे, इस खूबसूरत चेहरे को मैं क्या कहूँ? मोनिका। और आप? नाचीज को राजा कहते हैं। खूबसूरत चेहरों की
और खूबसूरत जिस्मों की तस्वीरें खींचना मेरा शौक है। अरे जाने कितनी लड़कियों को मैंने अपने कैमरे के कमाल से हीरोइन बना दिया। रियली? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ। आपके इस खूबसूरत चेहरे में वो कशिश है जो आपको हीरोइन बनाकर ही छोड़ेगी। और रहा सवाल फिगर का, तो ठीक ही है। ठीक ही है मतलब? अभी तो तुम मेरे फिगर की इतनी तारीफ कर रहे थे। यार तारीफ तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन तुमने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं कि मैं यकीन से नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें एतराज ना हो। लेकिन लेकिन क्या, यहाँ हम दोनों के सिवा है कौन? तुम ये सोच लो कि हमें कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन तुम तो देख रहे हो। कम ऑन यार, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें कोई नहीं देख रहा। ओके ओके। एक दिल की बात कहूं, तुम वही परी हो जिसके ख्वाब मैंने जवानी में कदम रखते ही देखना शुरू कर दिए थे। तुम्हारे ये काले काले बाल, ये खूबसूरत हिरनी जैसी काली काली आंखें, वही खूबसूरत नाक, वही गुलाब की पंखड़ियों की तरह गुलाबी गुलाबी होंठ, और वही सुराहीदार जैसी गर्दन। लेकिन आज मैं तुम्हारे जग्गा के सूरज को डुबाने आया हूं। बहुत गलत वक्त पे आया रे इंस्पेक्टर तू। लेकिन बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ जग्गा। ये साला, ये मेरा कॉपी करता है, है? चाहता है क्या तू? चाहता क्यों मैं? बताओ तुझे? तू मुझे बताएगा, मुझे गिरफ्तार करेगा? अरे अपने आप को साला बहुत बड़ा हीरो समझता है क्या? देख रे मुझसे पंगा मत ले, बहुत नुकसान में रहेगा। दोस्ती कर लेगा ना तो बहुत फायदे में रहेगा। ये फायदे और नुकसान की बात है ना, व्यापारी करता है, पुलिस वाला नहीं। चल पुलिस स्टेशन। दरवाजा खोलो। पुलिस। हाँ? पुलिस? कहिए। किसी के साथ वो लड़की थी। हवलदार चेक। अरे क्या कर रहे आप लोग, ये क्या कर रहे हैं? लड़की कहाँ है? कौन लड़की? जिस लड़की के साथ तुम अंदर आए थे। है, कहाँ है वो लड़की? लड़की मिली? नहीं मिली साहब। कोई लड़की नहीं है। बच्चू हमी से होशियारी कर रहे हो? पुलिस थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन मेरा कसूर क्या है सर? कसूर? ऐसी फ्रॉड लड़की का साथ देना सबसे बड़ा जुर्म है, और यही तुम्हारा कसूर है। अरेस्ट हिम। चलो। अरे चलो जाओ, इसे बंद कर दो, ले जाओ इसे। ए हवलदार, अपने इंस्पेक्टर अश्विन को बोल दे मेरे लिए फौरन दो बियर का बोतल और सिगरेट का इंतजाम कर दे। क्या अपन साला राजा है राजा क्या? क्यों बे, अश्विन के लिए इतना प्यार क्यों है? तेरा बाप है क्या? अबे मेरा दोस्त है, मेरी जान है वो जान। तेरी जान समझ ले, मैं साले को जमीन में गाड़ दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अश्विन के बारे में क्या बोला? छोड़ो अरे कुत्ते, ना छोड़ो तुझे। राजा पर हाथ नहीं उठाना। राजा पर हाथ नहीं उठाना? क्यों, तेरा भी बाप लगता है क्या? चुप, छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों साला फ्रेंडशिप का चक्कर, मैं समझ गया तुम दोनों की फ्रेंडशिप का चक्कर। अबे एक फोन करने दे मेरे को। तू फोन करना चाहता है ना? हाँ। तू अपने आप को कुत्ता बोलता है ना, तो तेरे को पालने वाले आ जाएंगे तेरे को छुड़ाने के लिए। साला तुम दोनों को काट खाऊंगा टुकड़े टुकड़े करके, समझे? चल राजा चल। जा जा चल ना। अरे जा जा, उसके बाद तुम मिलता हुआ
देख लूंगा तुम दोनों को लॉकअप के अंदर। अबे जाने दे, छोड़ूंगा ना तेरे को। तुम दोनों का ऐसा वाट लगाऊंगा, ऐसा वाट लगाऊंगा। जग्गा के साथ पंगा लेते हैं, जग्गा के साथ पंगा लेते हैं। साले को नीली गोली से मारूंगा, साले को लाल गोली से मारूंगा, साले को सब गोली से मार देगा। रात अंधेरी ए, हाथ क्या लगाता है बे? क्या देखता है मुंह? चल माल निकाल। माल चाहिए? अरे ले ना, ये ले माल। यहाँ ले, चल। अरे अकेले लड़के को देखे छेड़ता है? अरे बाकी पैसे तो दे। क्या देख, ज्यादा बदतमीजी किया ना तो बस्ती वाले को बुला लूंगी। हाँ ए, ये ठीक बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा पटर पटर मत कर, चल भाग यहाँ से। ए हूल देती है क्या? जाता है कि नहीं? ओ छोड़ूंगा नहीं तेरे को, देख लूंगा मैं। एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ क्या बात है। ए इधर आ, चाल तो देखो इसकी। सीताराम। हाँ गंगाराम। ले लो इकी जामा तलासी। चल दे गंगाराम। हाँ सीनियर तुम हो, लेना तुम्हारा फर्ज है। ऊ कहा है सीताराम कि हम ड्यूटी पर जनाना जामा तलासी नहीं लेते। तो फिर देखो छुकरिया, तुम अपनी तलासी अपने हाथ से लेके माल हमरे हवाले कर दो। लाओ। बिल्कुल ठीक। माल अपन के पास कोई माल वाल नहीं? ए, चंपा कली की तरह हिलो ना ही। हाँ अरे माल नहीं जाना तो कहा, रोकला रोकला। हाँ ए सीधे से निकालती के अंदर करूं। चुप। अब तीन दिन से भूखे है, अब माल की बात करते हो? ये दवाई के लिए पैसा नहीं, सर खाने के लिए पैसा नहीं। गंगाराम सर खाने के लिए पैसा होता तुम सारे खा लेते। गंगाराम कुछ पैसे दे से जहर खाने को। पैसे? रो नहीं, हम इमोशनल हो गए हैं। ये लो जहर खा लेना। जहर नहीं, सुसाइड हो जाएगा। देखो हम पुलिस के आदमी हैं। अच्छा। और हमरे पैसे से सुसाइड नहीं कर सको तो तुम। हाँ देखो ई का राशन मंगवाई के अपने छोटे 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 को खिलाई देना। अरे इससे क्या होगा साहब, मेरे को तो छोटे छोटे भाई हैं। छोटे छोटे भाई? चार छोटी छोटी बहनें हैं। चार छोटी छोटी बहन? एक छोटी छोटी माँ। माँ भी छोटी? उसका क्या है साहब, वो हमेशा बीमार रहती है और छोटी छोटी होती जा रही है। अच्छा। हाँ गंगाराम खोल गए हैं, दवाई के लिए पैसे दे दो। अच्छा गंगाराम मैं अपना पर्स घर भूल आया। देखो हमका बेवकूफ बनाने की कोशिश ना ही करो, अभी ये नाके पे जो हफ्ता लिए रहे हो वो ऊपरी जेब में रखा है हमरे सामने, दे दो थोड़ी दुआएं लो गरीब की। हाँ ये ले, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। चलता है साहब अपन। Thank you.
बजाऊंगा। बात मानोगे तुम? हाँ मानूंगा मैं। आ करीब आ। लो मैं आ गया। तेरे सजन अब तेरे प्यार की डोर में बंध के रहूंगी। दुनिया तो है सितम गए कैसे समझाऊं। सुन बाबू छेल छबीले ऐश कर ले मस्ती में जी ले। तेरे लिए मैं हूँ कुंवारी तुम हो मेरे मैं हूँ तुम्हारी। मेरे सजन अब तेरे प्यार की डोर में बंध के रहूंगी। दुनिया तो है सितम गए कैसे हार दो। आ करीब आ। लो मैं आ गया। मेरे सजन अब तेरे प्यार की डोर में बंध के रहूंगी। दुनिया तो है सितम गए कैसे समझाऊं। दुनिया तो है सितम गए कैसे समझाऊं। सुन बाबू छेल छबीले ऐश कर ले मस्ती में जी ले। सुन ओ बाबू छेल छबीले ऐश कर ले मस्ती में जी ले। समझता क्या आपने आपको कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं? माँ नहीं बाप नहीं मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं तो तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ बेटी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हवालात में बंद करने की? वो तो अच्छा हुआ मैंने जमानत दे दी वरना अभी तक वो तुम्हें वहीं रखता। इंस्पेक्टर क्या पास कर ली अपने आप को अफलातून समझ बैठा। आज आने दो उसे आज मैं उसके अफलातून निकाल ही दूंगी। नहीं माँ अरे उसने जो करना था सो किया अब उसे पीटने से क्या फायदा। ए माँ आखिर है तो वो मेरा दोस्त ना माफ कर देना माँ। ए माँ लेकिन वो तुम्हें अपना दोस्त कहाँ समझता है। आज मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आ जाने दे बेटा तू आराम कर मैं अभी दूध लेके आती हूँ। आजा प्यारे आजा। कमर कसले बेटा पिटने के लिए माँ ने तेरे लिए पूरी हरी छड़ी का इंतजाम किया है ये देख। ये क्या कमर कसले और पिटने के लिए तैयार हो जा। आ गया तू अभी बताती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ इसने मेरे साथ मजाक किया था। मजाक किया था? हाँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इसे बचाने के लिए सब कुछ कह रहे हो। सच्ची मुच्ची माँ मजाक था। फिर क्यों मुझे फोन किया और वो जमानत के कागज? अरे वो भी एक मजाक था। मैं तुम दोनों के मजाक को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोनों मुझे बना रहे हो असली बात तो कुछ और ही है। लेकिन अश्विन एक बात यार समझ में नहीं आई। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की ऐसे भागेगी। शुक्र कर भगवान का कि उस लड़की का रिकॉर्ड पुलिस में था इसलिए तू बच भी गया वरना इस केस में तुझे सजा भी हो जाती थी। अब ऐसे कैसे सजा हो जाती जब मैंने कुछ किया नहीं तो? देख मेरे से बहसबाजी मत कर मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ ये सब लड़कियों का चक्कर छोड़ दे वरना एक दिन ऐसे लपेटे में आएगा ना खुद तो मरेगा ही मेरा जीना भी मुश्किल करा देगा। यार अश्विन बिजनेस मेरा किस चीज़ का है? मॉडलिंग एजेंसी का ना। अब ऐसा जब बिजनेस है तो लड़कियों से तो रोज सामना होता ही रहेगा और फिर ये लड़कियां है ना
ऐसा गजब का पोज देती है ना कि किसका ईमान ना डोल जाए यार। तो अपना काम बदल ले यार। लेकिन काम बदल देने से नेचर नहीं बदल जाता। मैं तुझे फिर कहता हूँ ये सब छोड़ दे। तुमने देखा है? नहीं बॉस। अब तू बोल, तूने देखा है काला पानी? नहीं देखा। सब बोलते हैं नहीं देखा, तो मैंने भी नहीं देखा। हाँ, ये साला अश्विन का बच्चा बहुत ड्रामा करता था लॉकअप के अंदर। हाँ, अब उसका ट्रांसफर मैं काला किला चौकी पे करवाऊंगा, तब देखूंगा मैं उसके ड्रामे को एकदम खत्म कर दूंगा। ये साला अश्विन का बच्चा बहुत परेशान करता है मेरे को। ये राजा भी बहुत परेशान करता है। वाह, घर हमारे खुदा की कुदरत है। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैं खिदमत कराने नहीं आया धनंजय, बल्कि तुझे ये अल्टीमेटम देने आया हूँ कि मेरी पार्टियों को तोड़ने के लिए लड़कियां भेजना बंद कर दे, वरना। वरना क्या? I love beauties. मैं ब्यूटीज को खाने के साथ साथ बांटता भी हूँ, और बांटना तो बहुत नेक काम है। तुम्हें तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अपने लच्छेदार बातों में मुझे मत उलझा धनंजय। देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा देता हूँ। आइंदा तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं वो हरकत करूंगा जो ना तुम्हें रास आएगी और ना तुम्हारे इस धंधे को, समझे? बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी और मेरे धंधे की। राजा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना है। सिर्फ तुम अपने आप को बदल डालो, वरना अच्छा नहीं होगा। सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगा राजा, तुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाऊंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। यार, जिंदगी भी एक अजब इत्तेफाक है, जानती हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन आज तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हो। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हम जन्म जन्म के साथी हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। दिल की बात कहूं, तुम ही वो परी हो जिसको ख्वाब मैंने जवानी में कदम रखते ही देखना शुरू कर दिए थे। वही काले काले बाल, वही हिनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, वही खूबसूरत नाक, वही गुलाबी होंठ, और वही सुराहिता जैसी गर्दन। जब भी मैं राजा को देखती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर माँ को ऐसा ही बेटा मिले। कितना हंसमुख और भोला है ना, इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटे बच्चों की तरह। अरे मेरी प्यारी माँ, तू बहुत भोली है। वो तेरे सामने ऐसा बनता रहता है, वरना है एक नंबर का बदमाश। तू पुलिस में है ना, इसलिए ऐसी बातें करता है, वरना ऐसी कौन सी बदमाशी की उसने। माँ बाप तो बचपन में गुजर गए उसके, और फिर भी कितनी हिम्मत और लगन से अपना कारोबार खड़ा कर दिया। और फिर किसी बात का अहंकार भी तो नहीं है उसमें, और कोई बुरी आदत भी नहीं उसमें। ठीक है, वो साधु महात्मा है बस, लेकिन मेरे में भी ऐसी कौन सी कमी है माँ? ऐसी कौन सी खूबी है तुझमें? कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरे लिए एक बहू भी नहीं ला सकता? तो राजा ही कौन सा लेके आया, उसी से शादी के लिए कहो ना। अगर मैं उससे कहती तो वो तुम्हारी तरह कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए नहीं कहता। तो ठीक है, उसी से कहो। अभी नहीं, वो अपने कारोबार में काफी फंसा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ता है उसे, बेचारा राजा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! बहुत नाटक हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। तुम लोग साला कुछ नहीं कर सकता है, जो करना है मैं करूंगा, मैं खुद जाएगा। सबसे पहले साला राजा को मारेगा। राजा मर गया ना, उसके बाद इंस्पेक्टर इधर आएगा, साला उसको इधर गोली मारेगा, इधर गोली मारेगा, इधर गोली मारेगा।
चोर साले, मेरा गुल्लो साले को पुलिस में। चल साले, इस बार पुलिस से कुछ इनाम भी मिल जाए। चल चल साले पुलिस साले। रियली, आपने मेरी बहुत मदद की। इसमें कोई बड़ी रकम नहीं है। मेरी बीमार माँ की दवाइयाँ हैं। आज ये दवाइयाँ ना होती, तो ना जाने मेरी माँ का क्या हाल होता। भगवान जानता है। आपका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। मैं चलती हूँ। दो मिनट तो रुकिए ना। सॉरी, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर किसी दिन मिलेंगे। दो मिनट नहीं, दो घंटे मिलेंगे। ओके, बाय बाय बाय। यहाँ भी मारे गए गुलफाम। कोई बात नहीं राजा, शुरुआत अच्छी है। ठीक है, कहीं तो मिलेगी। फिर दिल की बात कह लूंगा यार। ए इंस्पेक्टर, आपन तेरे को बोला था ना, हमारे साथ पंगा लेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। अब देख, तेरे को काला पानी भेजने को आया है। तेरा ट्रांसफर करवाया काला किला पुलिस चौकी में। और वैसे तो ये ट्रांसफर भाई पोस्ट आता है, लेकिन मैं अपने हाथों से लेके आया हूँ। देख साला मेरा कितना लंबा हाथ है, हैं? तुम बहुत लेट हो गए जग्गा। तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर के पहले मेरे ट्रांसफर कैंसिलेशन के ऑर्डर आ चुके हैं। ये देख, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन कानून के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे हैं, जो एक न एक दिन मुजरिम को पकड़ ही लेते हैं। समझे? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। समझ गया साला मुझे क्या करने का है। आप बड़े चौले नेचर के हैं। आपसे मैं दूसरी बार मिल रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कई सालों से जानती हूँ। बड़े कमाल की चीज है आप। और आप बहुत खूबसूरत हैं। आप मुझे बना रहे हैं। कसम से, जी चाहता है बस देखता ही रहूं। अच्छा, जैसे किसी को देखा ही ना हो। हाँ? अरे बाबा, लड़कियां तो मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन आप जैसी नहीं देखी। अच्छा, अब आप कहना बंद करो। हाँ? मैं तो ये बहुत पहले बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लगेगा, इसीलिए। आपने ये कैसे सोचा? आपकी मुझे हर बात अच्छी लगती है। सच सच? तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा। क्या? मुझे आपसे प्यार हो गया है। हाँ? जानम खफा तो न होगे, कभी मुझसे जानम खफा तो न होगे, मेरी धड़कनों से हो, मेरी धड़कनों से तुम जुदा तो न होगे, मेरी धड़कनों से तुम जुदा तो न होगे। Thank you.
गजब का नशा है, हुआ मैं दीवाना, ये कैसी अदा है, निगाहों में तेरी गजब का नशा है, हुआ मैं दीवाना, ये कैसी अदा है। मेरी धड़कनों से हो, मेरी धड़कनों से तुम जुदा तो न होगे। मेरा नाम दिल से तुम मिटा तो न होगे, कभी मुझसे जानम खफा तो न होगे। सनम जान ले क्या है मेरी हकीकत, करता हूँ मैं बस तुम्हीं से मोहब्बत। सनम जान ले क्या है मेरी हकीकत, करता हूँ मैं बस तुम्हीं से मोहब्बत। मेरे प्यार के देवता बस तुम्हीं हो, मेरे प्यार के देवता बस तुम्हीं हो, के कदमों में है तेरे अब मेरी जन्नत। मेरी धड़कनों से हो, मेरी धड़कनों से तुम जुदा तो न हो। कभी मुझसे जानम खफा तो न होगे। साला इंस्पेक्टर अश्विन अपुन का आंख में खटकता रहता है, उस साले का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मास्टर, अपुन तो बोलता है इंस्पेक्टर को टपका डालते। अरे नहीं उल्लू के पट्टे, इंस्पेक्टर को टपकाने का मतलब होता है अक्का पुलिस फोर्स अपुन लोगों के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे नहीं, उसके लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या बॉस? अपुन के दिमाग में आ गया, खोपड़िया ना अपना ऐसे चलता है ऐसे। अरे वो दोस्त है ना उसका, जिगरी दोस्त राजा, अरे जिसका अपन के साथ लॉकअप में लफड़ा हुआ था ना। हाँ। उस इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है राजा, और राजा है ना उसकी कमजोरी है लड़कियां, और अपने पास लड़कियों की कोई कमी है नहीं। एक बार राजा अपने लपेटे में आ गया तो अश्विन तो शीशे में उतर ही जाएगा। राजा क्या बात है, किस सोच में डूबे हो? हूँ किसी की सोच में। किसी मतलब? है कोई हमारा? देखो राजा, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इस जन्म में क्या, तुम हर जन्म में मेरे हो, और मैं मर भी गई ना तो मेरी रूह तुम्हारे इंतजार में भटकेगी। अरे तुम तो नाराज हो गई यार, चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव? दूर, बहुत दूर। हाँ, और अगर मूड बन गया ना तो हम वहाँ रात में रुक भी जाएंगे। ओके? क्या बात है, तुम्हें रात से बड़ा प्यार है। जब देखो तुम रात में ठहरने के लिए बोलते हो, जब देखो तुम रात में मिलने के लिए बोलते हो, और वैसे भी तुमसे मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? मैं कोई भूत हूँ? अगर मुझसे मिलने से इतना डर लगता ना तो आज से मुझसे मत मिलना बस। तुम तो नाराज हो गए राजा। हमें प्यार में तुम कभी
धड़कनों से तुम जुदा तो न होगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न होगे, कभी मुझसे जानम खफा तो न होगे, मेरा नाम दिल से ओ, 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 ओ मेरी धड़कनों से तुम जुदा तो न होगे। अरे बाबा, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, बस जो कहूंगा करूंगी। हाँ बाबा, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, जब मिलने को कहोगे तब मिलूंगी, जहाँ चलने के लिए कहोगे चलूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन तुम अब उनसे जल्दी से शादी कर लो। वही तो सोच रहा हूँ। सच? बिल्कुल सच। एक काम करो, कल तुम मेरी मम्मी से मिल ही लो यार। तुम्हारी मम्मी? ओ अच्छा, मिस्टर अश्विन की मम्मी। बोलो कहाँ जाओ? कल प्लाजा पे 9 बजे आ जाओ, हम वहाँ से साथ चलेंगे, क्योंकि अश्विन भी घर पर ही होगा। रात के 9 बजे? अरे नहीं बाबा, सुबह के 9 बजे। शुक्र है तुमने कभी तो सुबह मिलने के लिए कहा। वैसे तुम आज सुधरे हुए नजर आ रहे हो। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया इसलिए तो। अच्छा मैं चलती हूँ। डार्लिंग, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं? और होते हैं तो वो राजा की रानी को मरने का क्या मतलब? अरे मरता तो साला खुद मरता ना, तो हम भी खुश होते, हमारी जान छूटती। ये ऊपर वाला बहुत पॉलिटिक्स खेलता है। ठीक है साला उसके हाथ से बच गया, मेरे हाथ से नहीं बचेगा। साले को नीला, लाल, पीला कर दूंगा। पूजा का एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। उसकी लाश का कहीं पता नहीं चला। ओह गॉड, कौन कर सकता है सर? ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। लेकिन तुम ऐसे देवदास बनके क्यों खड़े हो? तुम्हारे को उसकी मौत से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जिंदगी में तो इतनी सारी लड़कियां आईं, तुमने अपना मतलब निकाला और उन्हें छोड़ दिया। उनमें से ये भी एक थी, और भी आएंगी। हाँ, इस मामले से एक फर्क जरूर पड़ा है। हर बार तुम लड़कियों को छोड़ते थे, इस बार ये लड़की तुम्हें छोड़कर गई है। वो तुम्हारे से बाजी मार गई है। नहीं अश्विन, सचमुच मुझे लड़की पसंद आ गई थी। मैं कल ही माँ से इसे और तुम्हें मिलाने वाला था, मगर भगवान की जो मर्जी हो। खैर शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी। I love beauty. राजा को मारना तो और भी आसान हो गया है। वो कैसे धनंजय सेठ? राजा की जिंदगी है खूबसूरत लड़कियां यानी ब्यूटीज, और राजा की मौत का कारण भी बनेगी ब्यूटी। मैं समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं एक ऐसी ब्यूटी उसके पास भेजूंगा जो मौत बनकर उसके गले लग जाएगी। हाँ, दिल की बात कहूँ, तुम ही वो परी हो जिसके ख्वाब मैंने जवानी में कदम रखते ही देखना शुरू कर दिए थे। वही काले काले बाल, हाँ
अफसोस की बात है। बड़े अफसोस की बात इसलिए है कि जिस आदमी के रहते हुए माला अपनी जान से गई, आपने उसे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो आपका जिगरी दोस्त है, और मेरे गले में फंदा डालने के लिए आप इसलिए आ गए क्योंकि बिजनेस में आपका दोस्त मेरे मुकाबले में खड़ा हुआ है। आपका अफसोस तो मैंने बहुत सुन लिया, अब आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपके और माला के बीच ताल्लुकात कैसे थे। मेरा ताल्लुक उससे वैसा नहीं था जैसा मिस्टर राजा का था। वो मेरे लिए मॉडलिंग करती थी और मेरी कंपनी उसे प्रमोट करती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो क्या वो आपके जानकारी में राजा से मिलने नहीं गई थी? इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कोई दल्ला या भड़वा हूं जो उसे राजा के पास भेजूंगा? इस सवाल का जवाब तो मैं वक्त आने पर दूंगा मिस्टर धनंजय। रही माला की राजा तक पहुंचने की बात, तो वो बात भी बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगी। ओके। इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अफसोस तो इस बात का है कि माला अपनी जान से गई और वो नहीं हो पाया जो मैं चाहता था, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि आई लव, यस यस यस, आई लव ब्यूटी। कमाल हो गया साला, फिर से बच गया। हरामी, मेरे हाथ से नहीं बचेगा साला, मैं तेरे को अपने हाथ से खलास करेगा साला। लाल से करेगा, नीले से करेगा, पीले से करेगा, इन सब से करेगा तेरे को। ये समझ में ये नहीं आया, बस्ती यहाँ से है कितनी दूर? तुम अकेले जाते हो, इतना घबराती क्यों हो? देखो भैया, सीधी सी बात है, मैं तो चली जवान लड़की, किसी ने छेड़ दिया तो? बड़ी फिक्र है तुम्हें अपनी इज्जत की? और नहीं तो क्या, सारी बस्ती में मैं ही तो इज्जत वाली लड़की हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ तक छोड़ने वाला कोई ना मिले तो फिर तुम क्या करती हो? सीधी सी बात है, यहाँ कोई बेवकूफ की कमी है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भैया, मतलब बिल्कुल साफ है, चुपचाप माल निकालो। कैसा माल? अरे बोला ना, माल निकालो। क्या? अरे अरे, अरे ये क्या कर रही हो तुम? छोड़। अरे ए, ज्यादा चिल्लाना तो बस्ती वाले को बुला लूंगी। अरे, मेरा पैसा वापस करो। ए, जा जा जा, तेरे से माल निकाल। क्या बात है राजा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुनकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? अरे नहीं कृष्णा, कैसी बातें कर रही हो? भला मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मुझे एक पंडित ने बोला था कि अगर मैंने एक साल के अंदर शादी की तो मेरी मौत हो सकती है, और अगर मैं मरा तो तुम विधवा हो जाओगी। तुम जानती हो तृष्णा कि अगर बिना शादी के किसी बच्चे को जन्म दिया जाए तो उसे दुनिया क्या कहती है? लोग उसे नाजायज बच्चा कहते हैं। और क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बच्चे को कोई नाजायज कहे? नहीं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, तुम एबॉर्शन करा लो ना। देखो जो पैसे खर्च होंगे मैं दूंगा। नहीं राजा, मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं तृष्णा, प्लीज। देखो मुझे बहुत काम है, मुझे देर हो रही है, मुझे परेशान मत करो प्लीज प्लीज। मैं चलता हूँ। हाँ राजा। मैं तुम्हारी नियत को जान गई हूँ राजा, मगर मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। मेरी आंखें कभी तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगी। तुमने जो मेरे साथ खिलवाड़ किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा राजा, बहुत बुरा। कुछ पहनावा याद है तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है सर, वो घाघरा और चोली पहने हुए थी। घाघरा और चोली। अरे सुनो, इसी बस्ती में रहती हो तुम? मतलब की बात करो बाबू। नहीं वो क्या है कि रामलाल मेरा दोस्त है, उसका वो पता है कि क्या है कि अरे उसका एड्रेस वो गुम हो गया है, वो दोस्त मेरा। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं सब, क्यों नहीं सब, जरूर मिलेगा। अरे तू मुझे कहाँ लेकर आई? एकदम सही जगह पे साहब। अरे पर बोलो, बंगला चाहिए खोली? नहीं नहीं मुझे तो खोली चाहिए। तो माल निकालो। माल कैसे कैसे निकालो? मैं
मुझे खोली के देखा वरना मैं तक जला। ऐसे कैसे जाओगे साहब? पहले तो पूरी बात तो सुनो। हाँ बताओ। देखो अगर अमन चिल्लाएगा हाँ? तो बस वाले सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? मुझे क्या पता। जब उनको ये पता चलेगा कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे थे हाँ? तो तुम्हें पीटेंगे और पीटेंगे तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। मुझे क्या पता। अरे कोई है, अरे कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे सलाम साहब। सलाम, जाओ जाओ। अरे जाओ। आई को उसका क्या ना साहब, अपन तो पहले ही पहचान गया था। माँ कसम माँ कसम, इसीलिए तो अपन नाटक खेले ला है। वैसे नाटक कैसा लगा साहब? ऐसा नाटक तो अपने बहुत खेले ला है। शट अप, तुम्हारा यही नाटक देखने के लिए इस बस्ती में आया था। ऐसे कितने लोगों को लूटा अब तक तूने? अपुन तो ऐसा ऐसा वैसा लड़की नहीं है साहब। कसम से माँ कसम, ये नाटक तो हम पहली बार खेला है, पहली बार साहब। यही नाटक है कि तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? और सुन ले, आज के बाद कोई अगर ऐसी कपड़े मिले ना तेरी तो सीधा लॉकर में डाल दूंगा, समझी? खाली पीली भेजा खाया। इधर आ, माल निकाल जल्दी से, जल्दी। अरे कैसा कैसा माल? अरे मैं पता चला तूने बहुत लंबा हाथ मारा है। हमरा माल डकार गई हो, अब अपने माल में से हिस्सा दो। हम कहा बहुत लंबा हाथ मारा, निकाल माल। अरे साहब, वो आपुर का सब लूट लट के चला गया। कौन? अरे वो कौन? वो सबसे बड़ा चोर है। चोर है? अरे चोर डाकू कौन आएगा हमरे इलाके में? किधर गया वो? उधर चला गया गंगाराम। चल देखे। चलो सीताराम। अरे मारन दंदन तेरी तो समझते का हो। जैसे कुछ पैसा मिला, कैसा मजा आया। अरे मिल जा कठोर, हमें छाले पड़ गए ढूंढ। अरे गंगाराम वही डील डॉल शुक्रिया वाला। दबोच ले। कहाँ जाते हैं? ससुर के नाती हाँ। तुम्हारे सामने गवर्नमेंट ठाण है हाँ। और तुम बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाते हो हमारा माल खा के। मारन दंदन तूर दिए जाओ हाँ। का समझ रखा था हमारा माल लेके हमारे इलाके से निकलोगे का? हाँ सटक जाइयो गंगाराम। हाँ सीताराम। लगा तो जमा के। अब भी देखा गंगाराम, इसका चेहरा पहचाने हुए लग रहा है ना? पहचाना है। इसको कोतवाली में देखा होगा हमारे आते जाते। कोतवाली में बहुत सारे केसे चल रहा ना इस पे। सारे केसे सीसी के साथ है। पीछे से लगी रहा था लुक्का, मार खींच के मारू। हाँ। क्या कर रहा तू? अरे तू भी देख ले रे, आ जा इधर लाइन में। साहिब साहिब साहिब। रुपए चाहिए? नहीं सर। कितने दो? नहीं। 50? नहीं। 500? नहीं। 1000? 5000? साहिब हमका रुपए नहीं, हमरी नौकरी बख्श दो। हाँ साहिब। क्या हाँ। नौकरी बख्श दो हाँ। अरे मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा हाँ। अगर ये अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो हम सुधार लेंगे, समझे साहिब? हम सुधार लेंगे। अब ये नया धंधा शुरू कर दिया तुम लोगों ने उल्लू कहीं के। सीताराम गंगाराम, अरे देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। हाय टीना। हाय सर। टीना ये हमारी कंपनी का बहुत बड़ा ऐड है। ऐड भी काफी अच्छा बन रहा है। मेहनत भी तुमने काफी की है। गुड, वेरी गुड। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है सर, ये सब तो आप ही की वजह से हो रहा है। दिल की बात बोलूं? कहिए। तो तुम ही वो परी हो जिसके ख्वाब मैंने जवानी में कदम रखते ही देखना शुरू कर दिए थे। वही खूबसूरत आंखें, वही खूबसूरत जिस्म, वही काले काले बाल। Thank you.
कर हम ना कहते कि हम खूनी को एक ना एक दिन थोड़ा पागल कर लेंगे। देखो पुलिस डिपार्टमेंट की आन शान पान। अरे सीताराम गंगाराम की बदौलत है रे। लेके चले से। अरे अब हमरा हो जाएगा प्रमोशन और हमरे साथ तुमरा भी हो जाएगा प्रमोशन। अब चलो इको चक्कर के ले चलते हैं। सीताराम कहाँ गया? लगता है कि उतर गई थी तो फिर पीने चला गया। कह रहा था पिए हैं। गंगाराम बोलो सीताराम। मुझे तो एक घपला नजर आता है। अरे जल्दी उगलो कहाँ है वो। जब जब तुम्हारे इंस्पेक्टर के प्रमोशन की बात आती ना हमारा केस फेल हो जाता है भैया। हमें तो लगा था कि किसी ने हमरे ऊपर जादू टोना कर दिया रे। तो एक काम करते हैं। बोलो जल्दी उगलो यार। ओझा के पास चलते। कौन से झा? अरे भूत भगाने वाला ओझा। हाँ तूने काम में देरी का। चलो चल। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस आदमी की इन लड़कियों से दुश्मनी है या कोई मुझसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि निशाना हर बार तुम ही बन रहे हो राजा। इस बार तो तुम बच गए। हर बार नहीं बच पाओगे। आइंदा किसी लड़की का हाथ पकड़ना हो ना तो अंजाम सोच के रखना। वो ठीक है यार मैं बाद में देखूंगा। लेकिन पता तो चले कि ये कर कौन रहा है। इसका पता भी चल जाएगा। बस एक सबूत मेरे हाथ लगा है तीना की लाश के पास। ये लाइटर। ये क्या है? जग्गा का लाइटर। जग्गा? इंस्पेक्टर ऐसे लाइटर तो बाजार में कितने मिलते हैं। ये देख मेरा लाइटर मेरी लाल नीली पीली के साथ मेरी जेब में है इंस्पेक्टर। अपनी बेगुनाही दिखाने के लिए सबूत पैदा कर लेना बहुत आसान होता है जग्गा, मगर सच्चाई के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन सच्चाई मेरे हाथ लग गई ना उस दिन तेरा ये लाइटर तो क्या तो भी दिखाएगा ना तो बच नहीं पाएगा। ये लाल, ये पीली, ये नीली, इसका रंग पता नहीं है, ये भी ले तू। I love beauty. एक और ब्यूटी का मर्डर हो गया। अच्छा नहीं लगा। अब राजा के पास एक और ब्यूटी को भेजना होगा। सर इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं कहीं राजा समझ तो नहीं जाएगा। पंसेठ राजा के वास्ते छोकरी भी तो रेडी मांगता है ना। कहां से लाएंगे? वो थोड़े जाएंगे मरने के लिए। तुम क्या समझते हो राजा के आसपास जो ब्यूटीज का मर्डर हुआ पर वो होशियार हो गया। हम राजा के लिए एक और ब्यूटी प्लान करेंगे पर वो होशियार हो जाएगा। एंथनी जिस तरह कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती उसी तरह राजा का लड़कियों का शौक कभी खत्म नहीं होगा। लगाओ किसी और माशूक को फोन। वैसे आई लव ब्यूटी। ग्रेट आइडिया सेठ। कातिल कौन हो सकता है? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता मगर एक बात तय है वो राजा की नहीं बल्कि उसके साथ वाली लड़कियों की जान लेना चाहता है। अब तो मुझे ये बताओ उसकी जिंदगी में जितनी लड़कियां आईं क्या उनमें से कोई भी लड़की ऐसी हो सकती है क्या जो ये सब कत्ल कर रही हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब एक लड़की है उसका नाम कृष्णा है। कृष्णा जी वो कौन है? अरे साहब ये भी एक कबूतरी है मगर ये प्रेग्नेंट भी थी। मुझे याद है पिछली बार राजा साहब ने जब उसे धक्के मार कर निकाल दिया था तो वो रोती हुई जरूर गई थी मगर ना किसी तरफ पुकार भी नहीं थी। उसका कोई फोन नंबर या पता है? नहीं साहब है मगर इस समय वो आपको अभी हॉस्पिटल में मिलेगी जी। अच्छा जी आपको क्या लगता है जो ये कत्ल हुआ है उसमें मेरा भी हाथ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि हो सकता है आप मेरी तफ्तीश को आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सकें। मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इतनी बीमार हैं। आप आराम कीजिए। आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। प्लीज मैंने राजा से सच्चा प्यार किया है। मैं उसका कभी भी बुरा नहीं चाह सकती। मगर जो राजा ने मेरे साथ किया है उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। राजा ने मुझे धोखा दिया है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप चुप हो जाइए। आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप बात कर सके। आप मुझे मत रोको बहन। मुझे मालूम है मैं हमेशा के लिए चुप होने वाली हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज आप शांत रहिए। आप राजा के दोस्त हैं। राजा का खून है ये। प्लीज आप शांत रहिए। इसलिए मैं इसे आपको सौंप रही हूँ।
मेरा इसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही आपको सौंप रही हूँ। मैं कहाँ जा रहे मेरी जानी? इधर आजा रानी, ऐसी निशानी दूंगा कि आपको तो जवानी भर याद रखेगी। रानी छोड़ दे, अपन का नाम है, अपन ए टू जेड तेरे को बना डालेंगे। क्या अपन तेरे को ए टू जेड बना डालेंगे। आज तेरे से कहा था ना कि ये सफर करते बंद कर, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। किसको ढूंढ रहे हैं आप? अरे है कोई लड़की। लड़की? हाँ। क्या नाम है उसका? अरे नाम बिजली है उसका। अरे मत पूछना कि वो करती क्या है। अच्छा पता नहीं चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि क्या करती है? खैर मैं ही बता देती हूँ, वो चाय पिलाने का बिजनेस करती है। हाँ। क्या? अरे तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ? हाँ, बस छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अच्छा? किसी ने सबक सिखा दिया था। हाँ? बस सारे बुरे काम छोड़ के चाय बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। साहब चाय पियेंगे आप? कहीं तुम पैसे तो नहीं मांगूंगी? अरे साहब ये सारी दुकान तो आप ही की है। और दुकान वाली? मेरी जान।
दिलवर रानी प्यार में कैसी दूरी है, समा ये है सुहाना दिल भी है दीवाना, जरा तुम पास आना मुझे अपना बताना, मेरी जान 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 मेरी जान, आ चल ये कहता के लिए तो भाई है लेकिन ना के बराबर, बहुत ध्यान रखता था मेरा बहुत, लेकिन एक दिन इसे लकवा मार गया, मैं इधर भागी उधर भागी, मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन मदद के बदले सबने मुझसे कुचा, मैं सबकी नजर में ममता चाहती थी लेकिन ममता के बदले में वो मुझसे कुछ और ही चाहते थे, तब मैंने ये सोचा कि जब सब मुझसे यही चाह रहे हैं तो क्यों ना इनको बुद्धू बनाया जा, और तब से ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था, लेकिन दुनिया कुछ मैंने से कुछ भी नहीं देती, तब मैंने सोचा क्यों ना इसे लूटा जाए, और मैंने और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बिजली, गंगा जहां भी हो पवित्र होती है, मैंने किसी एक हिस्से में गंगा को नाला समझा था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे माफ कर दो बिजली। तुम ही वो परी हो जिसके ख्वाब मैंने जवानी में कदम रखते ही देखना शुरू कर दिए थे, वही काले काले बाल, वही हिन्नी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, वही खूबसूरत नाक और वही बड़े गुलाबी होंठ। Thank you.
ये कौन? मर्डर, मर्डर पर मर्डर, कमाल है। पहले अपने राजा साहब केले के छिलके पे फिसलते थे तो केले का छिलका गिना पड़ता था, अब अपने राजा साहब जहाँ होते हैं वहाँ मर्डर होते हैं। अब मर्डर गिनो। खैर, मर्डर नंबर। अरे सीताराम, अरे गंगाराम, अरे हम दोनों का है ऊपर वाले को राम राम। चलो अब हम शुरू करें अपना काम। किधर है? ए वापस आए जाओ, हम लोग ड्यूटी पर हैं। हाँ ड्यूटी। अपनी कुसाग बुद्धि से पता लगा लिया का? के खूनी कौन है हमको मालूम है। का बात करे साहब? पता लगा लिया? हाँ। देखो देखो ये खून। किसने किया ये खून? ये खून जरूर जरूर किसी खूनी ने किया है। साहेब अब समझ में आया आप अब तक हवालदार क्यों हैं? उफ़ अब परेशान मत करो बिजली। क्यों करंट लगता है क्या? मैं तो हमेशा परेशान करूंगी। पॉकेट मार से चाय वाली बना दिया, अब घर वाली कब बनाओगे? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है बिजली कि जब तक राजा का घर नहीं बस जाता मैं अपना घर बसाने की सोच भी नहीं सकता, और राजा की इन हरकतों को देखते हुए मुझे समझ में नहीं तक उसका घर कब बसेगा। तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक राजा की शादी नहीं हो जाती। मैं तो उससे ज्यादा उससे आगे तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बात अश्विन, कुछ परेशान नजर आ रहा है? तो क्या खुशियां मनाऊं? एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सच पूछो ना तो इस परेशानी की वजह तुम हो। क्यों, मैंने क्या किया? पूछते हो क्या किया? अरे जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो तुम्हारे साथ हो रहे हैं, और मैं किसी कातिल को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो अब शक होने लगा है ये कत्ल तुम कर रहे हो। ए, तू कहना क्या चाहता? तू कहना क्या चाहता है? कत्ल मैंने किया है? कत्ल हां तू मैंने किया है? हां तू कर रहा है। तू कहना क्या चाहता है? कत्ल मैंने किया है? मैंने किया है? तू हां हां तू कर रहा है? तूने क्या किया है? हां तूने क्या किया है? कैसे गुंडे मोहल्ले के तरह लड़ रहे हो? शर्म आती आप दोनों को? मैं तो सोचती थी जिसने मुझे जीने की राह बताई वो आदमी कितना महान होगा, लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि आप अपने दोस्त के ऊपर शक कर रहे हो। और आप कैसा दोस्त हो जो अपने दोस्त की पीड़ा समझने के बजाय उनसे मारामारी कर रहे हो? देखो ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, कातिले को तलाश करने का है, एक दूसरे का साथ देने का है। तुम ठीक कह रही हो। मैं भी तो यही कह रहा था यार, सॉरी यार। क्या बात है राजा साहब, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई छिलका नहीं मिले क्या? देख गुल्लू, मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और परेशान मत कर प्लीज। मैं जानता हूँ राजा साहब मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, मगर इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या दोष? गुल्लू गुल्लू Thank you.
होते ही चले जा रहे हो। सीताराम। हाँ गंगाराम। अरे हम दोनों का ऊपर वाले को राम राम। अब हम शुरू करें अपना काम। काम वापिस आ जाओ, हम लोग ड्यूटी पर हैं। हाँ ड्यूटी पे। देखो सीताराम, हाँ कूने ने तो हमारी खोपड़िया घुमा के रख दी है ससुर। काहे बहुत पेचीदा मामला है का साहेब। अरे ऐसन वैसन नहीं, इसमें बहुत पीछ है ससुर। कैसे कैसे? अरे बाथरूम में मर्डर। हमका तो ऐसा लागत है। कैसा? कि टोंटी में। टोंटी ये क्या होती है? अरे टोंटी नल। हाँ नल। हाँ। ऐसा बोलो ना साहेब। हाँ बाथरूम के नल में ससुर खूनी ने ऐसा हथियार फिट कर दिया है। हाँ? कि टोटी खोलते ही बस आदमी की मौत। ऐसा मर्डर कर दिया है साहेब। अगर ऐसे लोग बाथरूम में मरने लगे तो गजब हो जाएगा। शहर के लोग चौराहों पर नहाने लगेंगे। हाँ, हाँ? बात ले। हाँ? लेकिन रूम में, बाथरूम में नहीं। कहा साहेब, कहा इंटेलिजेंट आदमी है आप। काम अच्छा बोल गए। बिल्कुल। अरे हाँ। तो हम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाइए। हाँ। और हम तो का मेरे संकट मोचन। हाँ। बना देंगे हेड कांस्टेबल। यानी आपके वो पीली पट्टी इधर। हाँ तो मिला हैंडल। चलें साहिब। कहा बाथरूम है। चलो जाके रूम में एक लड़की को आज किसी भी तरह भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी है गुल्लू। न, जो बात आज तक मजाक मजाक में करते रहे वही आज जिंदगी का मजाक बन के। चल गुल्लू ढूंढ कोई छिलका नंबर। ये मर्डर कर कौन रहा है? सोचा था राजा को लड़कियों के लपेटे में लेकर उसकी तस्वीरें उतारूंगा और फिर जैसे चाहूंगा उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। लेकिन वेकिन का चक्कर छोड़िए सेठ, डायरेक्ट बात बोलो। आप मेरे को बताओ राजा का क्या करना है बस। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है एंथनी, और वो है राजा की मौत। राजा की मौत? पर एक प्रॉब्लम है सेठ, वो राजा का यार पुलिस वाला है ना, आपको अपने लपेटे में ना ले ले कहीं। कैसे ले लेगा? जो आदमी लड़कियों के मर्डर कर रहा है वो राजा का भी तो मर्डर कर सकता है, और वो भी आज रात को, क्योंकि रात बहुत खूबसूरत होती है इसीलिए। आई लव ब्यूटी। क्या कुछ दिल की बात कहने वाले थे? हाँ 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 नहीं नहीं सॉरी ना प्लीज। हाँ तुम ही वो परी हो, तुम वही परी हो जिसके ख्वाब मैंने। क्या बात है, कुछ खोए खोए से लग रहे हो। देखेंगे
मुझसे बात करो। पूजा भागने की कोशिश मत करना, कहाँ थी तुम इतने दिन तक? एक्सीडेंट में तो मैं बच गई, लेकिन मुझे पता चला मुझे कई बीमारियां हैं। पूजा करो मेरी सुनो। पूजा आखिर ये कत्ल क्यों कर रही हो तुम? मैं अपने राजा को इस हद तक प्यार करती हूँ कि राजा के नजदीक कोई भी लड़की का आना बर्दाश्त नहीं दूंगी, और जो भी लड़की आएगी मैं उसे मार डालूंगी। बस यही है तुम्हारे प्यार की हद? मेरे प्यार की हद मत पूछो। मैं अपने राजा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने अपने राजा के उन दुश्मनों को मार डाला है जो राजा को मारने आए थे। जग्गा, जिसने राजा को मारने के लिए गलती से मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। धनंजय मेरे राजा को मारने आया था, मैंने उसे भी मार डाला। राजा मेरे पास आओ, राजा मेरे पास आओ।